विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय उच्च पाठशाला डुग्गा में टौनी देवी खंड की लड़कों के अंडर 14 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 39 विद्यालयों के 356 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जीवन में स्वच्छता को अपनाने, नशों से दूर रहने और खेल भावना को अपनाने का संदेश दिया। हमीरपुर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने राजकीय उच्च पाठशाला डुग्गा में टौनी देवी खंड की लड़कों की अंडर 14 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 39 विद्यालयों के 356 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्हें ठाकुर ने जीवन में स्वच्छता को अपनाने, नशे से दूर रहने और खेल भावना को अपनाने का संदेश दिया। स्कूल के रखरखाव बेहतर प्रबंधन को देखते हुए उन्होंने स्कूल को 11,000 देने का भी ऐलान किया। इस अवसर पर स्मार्ट वर्दी योजना के तहत विद्यार्थियों को वर्दियों का वितरण भी किया गया। स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान रविंद्र पटियाल ने सभी खिलाड़ियों को शाम का खाना देने का ऐलान किया। इस मौके पर स्थानीय पाठशाला के मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार ने स्कूल को 11,000 देने के लिए मुख्य अतिथि का आभार जताया।